बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर जितना अपनी फिल्मों के बारे में जाने जाते हैं, उससे कई ज्यादा वो अपने लव अफेयर्स को लेकर भी चर्चित रहे। शोमैन राज कपूर का नाम जहां एक तरफ नरगिस तो वहीं दूसरी तरफ वैजयंती माला जैसी पॉपुलर एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। नरगिस के साथ राज कपूर का अफेयर 9 साल तक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ब्रेकअप हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी वैजयंती माला के साथ भी हुई, जिनकी राज कपूर के साथ नजदीकियां किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं टिक पाया और आखिरकार दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ अपने लव अफेयर्स के लिए मशहूर राज कपूर की शादी घर वालों की मर्जी से कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी और इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा छुपा हुआ है। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वी राज कपूर अपनी नाटक कंपनी के साथ एक बार रीवा गए थे। यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी आईजी करतार नाथ मल्होत्रा को दी गई थी। आईजी करतार नाथ मल्होत्रा इस दौरान साये की तरह पृथ्वी राज कपूर के साथ रहे और इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया रही कि बहुत ही कम समय में ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। पृथ्वी राज कपूर अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने 22 साल के बेटे राज कपूर की शादी करतार नाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से तय कर दी और इस तरह साल 1946 में राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई। राज कपूर कृष्णा को अपनी दुल्हन बनाने के लिए बारात को रीवा लेकर गए थे और यहीं आईजी के सरकारी बंगले में दोनों की शादी की सारी रस्में हुई। शादी के बाद इन दोनों के 5 बच्चे हुए, लेकिन बावजूद इसके राज कपूर के अपनी फिल्मी एक्ट्रेसेस के अफेयर्स के चर्चे हमेशा उड़ते रहे और इस तरह से नरगिस और वैजयंती माला का नाम राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन इस सब में ताज्जुब की बात ये रही कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने कभी भी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।